क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। बेटा रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बनाना है कॉपर के लिए, एंड वी नो कॉपर इज ए मेटल। देखिए जो रेजिस्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ, फिर एम इज मास, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज इलेक्ट्रॉन एंड टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाती है, जिसके कारण रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, हेंस इक्वेशन फर्स्ट से रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो जस्ट रिलेशन दे रखी है हमें कि इन केस ऑफ मेटल अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मेटल के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाउ है, उसमें मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ये कांस्टेंट होता है क्योंकि कॉपर एक मेटल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो कट गया हमारा क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी कट गया क्योंकि वहां डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो ऑप्शन है वो सेकंड है, ये पैराबोलिक क्या होगा, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर ये अलॉय होता है यहाँ पे तो फिर हम ऑप्शन फोर्थ देते क्योंकि यहाँ पे ये अलॉय नहीं है, कॉपर है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सेकंड। थैंक यू।